हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ विमेंस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मिसकैरेज के सिम्टम्स बता रहे हैं कि प्रेगनेंसी जब आपकी कंसीव हो जाती है और उसके बाद अगर इस टाइप के कभी भी कोई सिम्टम्स आएँ तो आप तुरंत सावधान हो जाएँ, अवेयर हो जाएँ, क्योंकि कई बार ये सिम्टम्स जो है मिसकैरेज के भी होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कुछ ऐसे ही मिलते जुलते सिम्टम्स जो हैं ये प्रेगनेंसी के दौरान भी आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है कि कभी भी इस टाइप की कुछ भी चीज़ें दिखे तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें और उन चीज़ों को चेक कर लें कि जो हो रहा है वो कुछ अनहोनी तो नहीं है, मिसकैरेज से रिलेटेड तो नहीं है, या फिर ये सिर्फ प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। पहला जो मिसकैरेज का सिम्टम होता है, अगर मिसकैरेज होने वाला होता है या फिर हो गया होता है और अगर हमें नहीं वो बात पता होती है, तो पहला खास सिम्टम होता है सेवियर बैक पेन। ये बेहद खास सिम्टम होता है जब मिसकैरेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है या फिर हो चुका होता है, उसके बाद ये सिम्टम आता है। सीवियर बैक पेन इसी कंडीशन में आता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है, लेकिन वो जो बैक पेन होता है और जो मिसकैरेज का बैक पेन होता है, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। मिसकैरेज का बैक पेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखें हमेशा कि अगर कभी बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी जो सिम्टम है कि ब्लीडिंग, जैसा कि आप भी जानते हैं कि अगर मिसकैरेज होता है तो कई बार ब्लीडिंग आने शुरू हो जाती है। ये ब्लीडिंग धीमे धीमे स्पॉट्स की तरह आती है और फिर बहुत धीरे धीरे हैवी होती चली जाती है, और या तो ये डार्क ब्राउन कलर की होती है या फिर ब्लैक कलर की होती है। तो इसलिए ब्लीडिंग का बेहद ख़ास ख्याल रखिए कि प्रेगनेंसी में किसी तरह की भी ब्लीडिंग होना सही नहीं होता है। मैंने आप लोगों से पहले भी कई बार कहा है कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे रिप्लाई करने का वेट मत किया करिए। अगर आपको किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो फौरन डॉक्टर से जा करके कंसल्ट करिए। प्रेगनेंसी के जो शुरुआती 2 महीने होते हैं उनमें तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, वो सिर्फ स्पॉट्स आते हैं, लेकिन कंसल्ट उसमें भी करना चाहिए डॉक्टर से। मैंने भी अपने केस में किया था, आपको भी करना चाहिए। किसी भी तरह की ब्लीडिंग को प्रेगनेंसी में बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये आपकी प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ है या आपके बच्चे से जुड़ा हुआ है। तीसरी जो बात चीज़ होती है कि मिसकैरेज के दौरान जो आती है, अचानक से फीवर आना। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं और अचानक से आपको फीवर आ गया और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेज होता चला जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, तो ये भी सही नहीं होता है। ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन होता है मिसकैरेज हो गया है या फिर कुछ इस तरह टाइप की चीज़ें चल रही हैं, बच्चा ठीक नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है या अगर आपको अचानक से बार बार फीवर आ जा रहा है तो भी आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। चौथी जो चीज़ है कि म्यूकस, पिंक ब्राउन या फिर वाइट जो म्यूकस होता है, वाइट म्यूकस तो वैसे भी जनरली प्रेगनेंसी में ही आता है, सबको नहीं आता लेकिन बहुत सारे लोगों को आता भी है। लेकिन अगर आपको पिंक और ब्राउन म्यूकस आ रहा है, ब्लड के साथ मिल के आ रहा है, तो भी आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। और फिर साथ ही किसी तरह के क्लॉट्स आ रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो भी ये बिल्कुल सही नहीं होता। प्रेगनेंसी में आना कोई भी क्लॉट्स या ब्लीडिंग बिल्कुल सेफ नहीं होता है। तो अगर कोई भी क्लॉट्स है, ब्लीडिंग है, अगर आ रही है तो भी इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडिकेट होता है कि मिसकैरेज है या फिर होने वाला है। तो ये है वो खास टिप जो कि अगर मिसकैरेज हो गया है या होने वाला होता है तो उसके पहले से ये इंडिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। तो आप अवेयर रहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अवेयर रहिए, अगर कभी भी इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर आपको दिखती हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने में बिल्कुल भी लेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टाइम रहते चीज़ें संभाली जा सकती हैं। तो इसलिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों को कभी भला हो सके, उनको भी सही जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और फर्स्ट टाइम व्यू करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी से जुड़े रहिए।